नमस्कार दोस्तों, आज है 5 जून 2019 जिसका हम देखेंगे एमपी डेली करंट अफेयर्स। दोस्तों, यह वीडियो आपकी मध्य प्रदेश की आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे द्वारा एक एमपी जीके एग्जाम डेस्ट नाम से मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान और मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मध्य प्रदेश समाचार करंट अफेयर्स आधारित लेख भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। कविता विधा में बागेश्वरी पुरस्कार 2018 के लिए किसका चयन किया गया है? ये बागेश्वरी पुरस्कार होता है, विभिन्न विधाओं में यह दिया जाता है। तो कविता विधा में बागेश्वरी पुरस्कार 2018 का चयन जो किया गया है वह तिथि दानी है। कविता विधा में तिथि दानी का चयन किया गया है बागेश्वरी पुरस्कार 2018 के लिए। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के बागेश्वरी पुरस्कारों के लिए वर्ष 2018 के लिए तिथि दानी ममता सिंह, मीनाक्षी नटराजन, बाबूसा और दौलत को बागेश्वरी पुरस्कारों के लिए चुना गया है। हम इसकी डिटेल देखते हैं कौन कौन विधा में किसे मिला है। तो यह पुरस्कार कविता विधा में तिथि दानी, जो कि जबलपुर निवासी है, वर्तमान में लंदन में रह रही हैं, इन्हें कविता संग्रह प्रार्थनारत बदकें के लिए बागेश्वरी पुरस्कार 2018 का चयन किया गया है। वहीं गीत गजल विधा में दौलत राम प्रजापति लटेरी को उनके गजल संग्रह दिया रोशन हुआ तथा कथेतर गद्य विधा में बाबूसा कोहली जबलपुर को उनके गद्य कविता संग्रह 52 चिट्ठियां के लिए प्रदान किया गया है। कहानी उपन्यास विधा में बागेश्वरी पुरस्कार मीनाक्षी नटराजन मंदसौर को उनके उपन्यास अपने अपने क्रू क्षेत्र के लिए दिया गया है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि अपने अपने क्रू क्षेत्र उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, तो मीनाक्षी नटराजन द्वारा लिखा गया है। इसी प्रकार आप एक दूसरे से रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रेडियो सखी के रूप में मशहूर ममता सिंह जबलपुर, वर्तमान में विविध भारती मुंबई में सेवारत हैं। उनकी कहानी संग्रह राग मारवा के लिए बागेश्वरी पुरस्कार 2018 का चयन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। शिक्षकों की अध्यापन क्षमता की परख के लिए ओपन बुक परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा? मध्य प्रदेश में शिक्षकों की अध्यापन क्षमता की परख के लिए ओपन बुक परीक्षा का आयोजन जो किया जा रहा है वह 12 जून 2019 को किया जा रहा है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 12 जून 2019 को 0 से 30% तक परीक्षा परिणाम वाले विषय शिक्षकों को ओपन परीक्षा बुक ली जाएगी। तो परीक्षा बुक ली जा रही है वह 0 से जो 30% तक रिजल्ट रहा है, यानी खराब रिजल्ट रहा है, उनके लिए ही यह ओपन बुक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। और पिछले 3 वर्षों के परीक्षा परिणाम के आधार पर विषयवार शिक्षकों का परफॉर्मेंस डाटा तैयार किया गया है। डाटा के आधार पर न्यूनतम परीक्षा परिणाम वाले स्कूलों एवं शिक्षकों का चयन किया गया है, जिसके अनुसार यह ओपन बुक परीक्षा आयोजित हो रही है। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको हमारे careerdeskacademy.com पर भी मिल जाएगी और हमारे मोबाइल ऐप पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर 4 जून 2019 तक की पीडीएफ अपलोड हो चुकी हैं। यदि दोस्तों मोबाइल ऐप में कुछ समस्या आती है तो कमेंट ज़रूर किया करें, आपके द्वारा इंस्टॉल किए जा रहे हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश वर्ष पर निकाली जा रही संदेश यात्रा की मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? जो सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव, उनके 550वें प्रकाश पर्व पर जो संदेश यात्रा निकाली जा रही है वो मध्य प्रदेश में 7 जिलों से होकर गुजरेगी। और 550वें प्रकाश पर्व पर नानक जीरा साहब नीदर से यह 2 जून 2019 को यह यात्रा संदेश यात्रा प्रारंभ हुई है और मध्य प्रदेश में 4 जून 2019 को प्रवेश करेगी और बुरहानपुर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, इटारसी, सागर से गुजरते हुए 12 जून 2019 को जबलपुर से नागपुर के लिए जाएगी। यह यात्रा 4 जून से 12 जून 2019 तक मध्य प्रदेश के 7 जिलों से होकर गुजर रही है।
खेल से संबंधित यह क्वेश्चन है। आईएसएफ वर्ल्ड स्कूल कॉम्बेट गेम में मध्य प्रदेश के कौन से जूडो खिलाड़ी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे? ये जूडो खिलाड़ी हैं, मध्य प्रदेश के कौन से खिलाड़ी हैं जो भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे, वो भी आईएसएफ वर्ल्ड स्कूल कॉम्बेट गेम हो रहे हैं। तो हिमांशु तंबर, ये आप ध्यान रखें कि ये हिमांशु तंबर जूडो खिलाड़ी हैं और इन्हें आईएसएफ वर्ल्ड स्कूल कॉम्बेट गेम में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है। इसकी डिटेल देखते हैं हम। बुडापेस्ट हंगरी में 16 से 21 जून 2019 तक होने जा रहे आईएसएफ वर्ल्ड स्कूल कॉम्बेट गेम में मध्य प्रदेश मार्शल आर्ट जूडो अकादमी के खिलाड़ी हिमांशु तंबर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हिमांशु का चयन पिछले दिनों गुजरात के नडियाद में संपन्न एसजीएफआई स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया में अच्छे प्रदर्शन करने के लिए उनका चयन हुआ था। आईएसएफ वर्ल्ड स्कूल कॉम्बेट गेम में हिमांशु तंबर 50 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, यानी 50 किलोग्राम में ये खेलेंगे। वहीं हम बात करें शशांक सिंह पटेल, ये ताइक्वांडो जो खेल होता है उसके खिलाड़ी हैं और तेजस मिश्रा भी हैं और ये भी जो आईएसएफ वर्ल्ड स्कूल कॉम्बेट हो रहा है उसमें भी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ताइक्वांडो जो खेल रहता है उसमें। और रत्नेश पांडे अभी हाल ही में जो है वो माउंट एवरेस्ट की पहाड़ी पर चढ़ के आए थे, दो लड़कियां भी आई हैं। रत्नेश पांडे अलग से गए थे और एक जो भावना डेरिया हैं और मेघा परमार हैं, उन्हें रत्नेश पांडे को अभी हाल ही में मध्य प्रदेश शासन ने जो है वो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये हमारा खेल से संबंधित क्वेश्चन था दोस्तों। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में कितने रुपए तक का ऋण ले सकते हैं? एक मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो योजना चलाई जा रही है, मैं आपको बता दूं पहले ही 30 जून तक जो ऋण योजना है 30 जून 2019 तक इसके आवेदन मांगे जा रहे हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल देख रहे हैं दोस्तों। और मुख्यमंत्री जो स्वरोजगार योजना है इस योजना में इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 50,000 से 10 लाख रुपए तक का जो है वो लोन ऋण ले सकते हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 50,000 से 10 लाख रुपए तक का। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं हम। इसकी डिटेल है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में परियोजना लागत का जो भी परियोजना लागत होगी 10 लाख से कम हो, मतलब 50,000 से 10 लाख तक, तो 30% अधिकतम 2 लाख रुपए की मार्जिन मनी सहायता मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी जाएगी और 5% की दर से या 7 वर्ष तक का ब्याज अनुदान लाभ मिलेगा, यानी 7 वर्ष तक जो आप ऋण भुगतान नहीं कर पाते हैं तो 7 वर्ष तक 5% की दर से जो ब्याज है उसका भी अनुदान मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु 18 से 45 के मध्य होना चाहिए और स्वरोजगार योजना के लिए आवेदक कम से कम 5वीं कक्षा तो उत्तीर्ण होना चाहिए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के लिए 15% का अनुदान अधिकतम राशि 1 लाख रुपए होगी। वहीं महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक को 30% का अनुदान अधिकतम राशि 2 लाख रुपए की परियोजना राशि के आधार पर दी जाएगी, जो बात हमने पहले बताई गई थी। तो इसके लिए बस जनरल कैटेगरी के लिए 15% का अनुदान मिलेगा और अधिकतम 1 लाख रुपए का जो है वो सहायता मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी जाएगी। देखते हैं हम दोस्तों, जो आपसे 4 जून 2019 का जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के किस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का वन ग्लोब अवार्ड फॉर एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, तो आपके द्वारा अधिकतर लोगों ने इसका आंसर सही बताया है कि इंदौर स्मार्ट सिटी को वन ग्लोब अवार्ड फॉर एक्सीलेंस मिला था। कोई प्रधान है दोस्तों तो भोपाल स्मार्ट सिटी बता रहे थे, उनका यह क्वेश्चन गलत था। तो आज का क्वेश्चन हम देखते हैं 5 जून 2019 का, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश में राम राज्य एक नए भारत का निर्माण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया। अभी वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश में राम राज्य एक नए भारत का निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, या फिर आप इसकी डेट भी बताएं इसके बारे में डिटेल पता हो तो। और यह इसके 4 ऑप्शन है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। दोस्तों यह वीडियो आप लाइक ज़रूर कर दिया करें, जितने आप लाइक करेंगे तो उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए दोस्तों, आपको सीधी बात बोलें तो। और इसकी PDF और MCQ प्रैक्टिस हमारे जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है MPGK डेस्ट करके, तो उसमें आपको मिल जाएगी और उसमें अपडेट वर्जन हम जल्दी
अपलोड कर देंगे। और 2018 की जो हमारी एमपी करंट अफेयर्स का दूसरा टेस्ट है दोस्तों, बहुत दिनों से डिले हो रहा था, वह एक दो दिन में मतलब 10 तारीख से पहले अपलोड हो जाएगा और उसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप या उस पर भेज दी जाएगी दोस्तों। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।